वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत नूं बेनती है हुण एक दो मिनट बैठ जाओ क्योंकि क्योंकि जिहड़ी आपां अज इन्नी लंबी मीटिंग कीती है हुण इहदा आपां कढ़िया की है सिट्टा वह भी सुनना बड़ा जरूरी है क्योंकि सारियां ने अपने विचार रखे हैगे है और दास सारे विचार सुन रहा सीगा और आपां इस मीटिंग च कॉन्कलूड की कीता है ये भी सानू सुनना बड़ा जरूरी है। मैं बेनती करांगा थोड़ा जा ध्यान माइक वाल रखियो जुझार सिंह जी। हाँ जी, ते जेड़ी पहली गल तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे दा जेड़े सारे इत्थे आए हैगे और असी आपस च बैठ के टेबल ते बैठ के असी एक दूसरे नाल गल कीती है। ये भी एक जदों असी जाप साहब का पाठ पढ़ते हैं तो उत्थे आंदा है तमामुल तमीज़ है तो जो अकाल पुरख की जिदी असी उस्तत करते हैं तो उहदे बारे ये प्रथा एक आया है कि तमामुल तमीज़ है तो इदा ही सानू भी जिहड़ी हैगी है एक दूजे नाल गल करन दी तमीज़ सीखण की बड़ी लोड़ हैगी है तो वो साडे अंदर बड़ी घाट हैगी है इस करके अज साडा ये हाल है। लेकिन गुरु साहब की कृपा सदका अज असी सारे बैठे हैगे हाँ आपस बड़ी तमीज़ नाल सारे ने एक दूसरे नाल गल कीती है अपनी गल रखी है। सानू अपनी गल रखनी भी आनी चाहिए हैगी है जिथे असी सड़कों के धरने मुजाहरे देने उत्थे ही टेबल दे उत्ते बैठ के अक्रॉस द टेबल सानू गल करनी भी आनी चाहिए हैगी है उहदे वास्ते साडा आपस इतफाक होना भी बड़ा जरूरी है। साडा आपस इतफाक नहीं हैगा इस करके असी मार खा रहे हैगे हाँ असी एक दूसरे ते शक भी बड़ा करते हैगे हाँ ते अज जिथे सारिया गल्लां उत्थे मैं एक गल होर भी कहना चाहूँगा बड़े लोगों ने गल्लां चुकियां भी तुहानू गुरद्वारा रकाबगंज साहब च जगह किवें मिल गई तुसीं तां दिल्ली कमेटी के खिलाफ इन्ना बोलते हो बादल जिहड़ी पार्टी है उन्होंने खिलाफ बोलते हो आर एस एस के खिलाफ बोलते हो जबकि दिल्ली कमेटी का आर एस एस का गढ़ हैगी है तो तुहानू इत्थे जगह किवें मिल गई तो इस गल का एक जवाब ये है कि जिहड़ी मुखर्जी नगर वाला जिहड़ा केस हैगा ओ संगत दी जड़ा पहरा दिता है संगत ने उस ते जो संगत ने अपना जलवा दिखाया उथे थाने दे बाहर ये उस जलवे करके अज असी इत्थे बैठे हैगे आ। ते दूजी गल जिहड़ा कोर्ट दे अंदर भी जिहड़ा केस फाइट हो रहा है वह भी संगत फाइट कर रही है कोई कमेटी फाइट नहीं कर रही ये भी मैं गल स्पष्ट करना चाहता ते नाल ही जिहड़ी मीरी पीरी दे दो निशान साहब लगे हैं श्री अकाल तख्त साहब के मूहरे उहदे च मीरी पीरी का जिहड़ा सिद्धांत हैगा उस सिद्धांत नूं मुख रखदे होए असी सारे इत्थे चल रहे हैगे हाँ कुछ लोग साडे वीर जिवें बिंद्रा जी और असी सारे संगत उत्थे धरना भी ला रहे हैं और कुछ लोग जिहड़े हैगे हैं कोर्ट दे विच भी फाइट कर रहे हैगे हैं होर हर तरीके दे नाल फाइट कर रहे हैं। दास नूं दिल्ली मिनोरिटी कमीशन ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है उहदे विच दास मैंबर हैगा जो कि इस पूरे मामले नूं इनवैसटीगेट करके मिनोरिटी कमीशन नूं असी रिपोर्ट भी सबमिट करनी हैगी है। हर एंगल तो फाइट हो रही हैगी है ये बहुत ही मुबारक गल हैगी है और एक बड़ी चढ़ती कला की गल है कि जिहड़े भी लोग अलग अलग तरीके दे नाल इस केस नूं लैके फाइट कर रहे हैं भावें साडे पत्रकार वीर हैगे हैं भावें साडे चैनल हैगे हैं भावें साडे एडवोकेट हैगे हैं तो भावें साडे जिहड़े गैर सिख भरा भी हैगे हैं असी सारे आपस इतफाक रख के चल रहे हैं और जब तक असी आपस इतफाक रख के चलांगे एक दूसरे से भरोसा करके चलांगे तो जित जिहड़ी है यकीनन हैगी है वो मैनू कोई दो राय नहीं है। तो अज का जे मैं कॉन्कलूड करा तो अज जिहड़ी गल सारे पासों निकल के आई है जिहड़ा एजेंडा सीगा अज की मीटिंग का कि जिहड़ा ये हमला जिहड़ा हो रहा है पुलिस वल्लों और जो प्रशासन वल्लों प्रशासन की ढिल की वजह नाल क्योंकि जिहड़ा मॉब लिंचिंग हो रही है वह प्रशासन की ढिल की वजह नाल हो रही है क्योंकि जिहड़े करदे पए हैं उन्होंने उन्हां दी बनदी सज़ा नहीं दी जा रही जिहड़े गैंगरेप हो रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं वो इसे करके जो हो रहे हैं क्योंकि कानून अपना बनता रोल नहीं निभा पा रहा दोषियों को सज़ा नहीं दे पा रहा इस करके एक जिहड़ी बड़ी जरूरत महसूस की गई है सारे वालों कि हुण वो समा आ गया है कि असी सारे जिहड़े हैगे आ जिहड़े पीड़ित हैगे आ क्योंकि इत्थे जिहड़े बैठे हैं वो सारे पीड़ित हैगे आ और उहदे विच मिनोरिटी भी हैगी आ घट गिणती भाईचारा भी है तो साडे जिहड़े दलित भाईचारा भी है और मैं कहांगा कि साडे जिहड़े गरीब हिंदू भरा हैगे वह भी विक्टम हैगे आ तो जिहड़ा भी विक्टम हैगा सानू सारयां नूं मिल के एक जॉइंट एक्शन कमेटी
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ NGO ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸਿਟੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ 46 ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 170 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 46 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫੋਰਮ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ DSGMC ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਜ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫੋਰਮ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫੋਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਣੇ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
जो सरबत खालसा दे विच चब्बे की धरती तो एक अकाल तख्त साहब का जथेदार पुरातन रोह रीतान अनुसार चुनिया गया सीगा, जिन्हों आपां जगतार सिंह हवारा के नाँ तो जानते हैं, जो साड़ी पुरातन परंपराओं अनुसार वो अकाल तख्त का जथेदार है। और जिस कौम का जथेदार जेल दे विच होए ते वो कौम आजाद किदां हो सकती हैगी है, ये मैसेज जिहड़ा हैगा सानू पूरी दुनिया तक पहुँचाना बड़ा जरूरी है। साड़ी अज कौम का जथेदार जेल दे विच हैगा, 23 साल तो जेल दे विच हैगा। और एक बलात्कारी साध जिन्हें कि किन्ने ही बलात्कार किए हैं, होर बड़े अनमनुखी कार्य किए हैं, कतल किए हैं, उन्होंने सरकार पेरोल देने वास्ते तरलो मच्छी हुई पई हैं। लेकिन साडे सिंह जिन्होंने सिख संघर्ष लड़िया, कोई अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ी, कौम का संघर्ष लड़िया, लोगों का संघर्ष लड़िया, उन्होंने एक दिन की भी जी पेरोल नहीं दी जाती। भाई परमजीत सिंह प्योरा वो अपनी बीमार माता को मिलन वास्ते 2 घंटे की उन्होंने पेरोल मंगी सी, लेकिन जिस तरीके का इनसेंसिटिव साडा ये सिस्टम हैगा कि वह 2 घंटे की पेरोल भी अपनी बीमार माँ मिलन वास्ते नहीं दी गई, तो ये शो करता है कि ये असी ये साढ़े अंदर भी घाट हैगी है। जिहड़ा जालम सरकार हैगी काम हुंदा जुलम करना, लेकिन खालसा अपनी करैक्टर दे विच नहीं हैगा इस टाइम करके, जिस करके साढ़े सिंघां नूं ये भुगतना पै रहा है जो जेलां दे विच बंद है। असी सारे एकजुट होइए और अपने खालसियां दी साढ़े योधियां दी जो जेलां दे विच बंद हैगी उन्हां दी आवाज़ बणीए। और जिहड़े निशाने नूं लै के उन्होंने अपनी जवानी गाल दित्ती, 23-23 सालां तों जेलां दे विच बंद है बंदी सिंह साढ़े, जिन्हां ने सारियां सजावां पूरियां कर लईआं, अज सरकार ने सानू एक राह दिखाया है कि उन्हां सिंघां नूं असी बाहर किदां कढ सकदे हैगे आ। किदां एक वो जिहड़ा एक होर इंस्पैक्टर का केस आया सीगा जिन्हें एक फेक इनकाउंटर किया सीगा, एक झूठे मुकाबले दे विच उन्हें एक सिंह का कतल किया सीगा, उसनू दिनकर गुप्ता जिहड़ा पंजाब का डीजी हैगा वह सीएम नूं कहिंदा है जी इहनू छड्ड दिता जाए, पंजाब का सीएम गवर्नर नूं कहिंदा है जी इहनू छड्ड दिता जाए, तो गवर्नर ने छड्डता। तो इत्थे एक तरीका उन्होंने दस्या जे पंजाब का सीएम उस दिनकर गुप्ता जिहड़ा सॉरी जिहड़ा वो इंस्पैक्टर सीगा उन्होंने जे छड़ सकता है तो साढ़े 23-23 साल तो जिहड़े बंदी सिंह जेलों के बंद है उन्होंने जो किया कौम वास्ते किया और वो वास्ते ऑलरेडी 20 साल तो उत्ते जेल कट चुके हैं, तो अज कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि उन्होंने जेल के रखा जाए। इस गल की भी सानू गल जी है बड़ी बुलंदी के नाल सानू एकजुट होकर चुकनी चाहिए हैगी है। इन अखरों के नाल मैं सारिआं दी हाथ जोड़ के जिहड़ा मैं धन्यवाद करांगा दिलों जिहड़े असीं आपां इत्थे आए हाँ। और अगे जो आपां इह संगत दा प्लेटफॉर्म है, अज जिहड़े इस प्लेटफॉर्म तों आपां गल कर रहे हैं इह संगत दा प्लेटफॉर्म है, कोई जथेबंदी नहीं है। हमेशा जिहड़ा हैगा धर्म जिहड़ा उत्ते होना चाहिए, राजनीति थले होनी चाहिए है, लेकिन जो साड़ी अज अधोगति हो रखी है, जो साड़ा अज बुरा हाल हैगा वह सिर्फ इस करके है कि राजनीति उत्ते है ते धर्म थले है। तो अज ये जिहड़ा संगत दे प्लेटफॉर्म तों असीं इह कोशिश गुरु साहब दा आसरा लैके कर रहे हैं कि संघ जिहड़ी धर्म हैगा उहनूं अगे रख्या जाए ते राजनीति नूं धर्म दी जुत्ती दे थले रख्या जाए, यही जो साडा अज दा मेन मनोरथ है। और संगत दे इस प्लेटफॉर्म दा मैसेज भी यही है कि असीं ये जिहड़ा अज इत्थों आगाज़ होया आने वाले समय दे विच सानूं नहीं पता दिल्ली कमेटी सानूं दोबारा इत्थे जगह देगी कि नहीं देगी, लेकिन फिर भी पिछली मीटिंग ते इस मीटिंग वास्ते जो दिल्ली कमेटी ने ते सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जो प्रधान है दिल्ली कमेटी दे उन्होंने सानू पहले भी जगह दित्ती सी ते अज भी दित्ती है, ते एक अच्छा साइन हैगा ये जिथे असी उन्हां दी विरोधता करदे हां ते जिहड़ी चंगी गल है सानू उहदे सिफत भी करनी चाहीदी है। सानू पिछली बार भी उन्होंने जगह दित्ती अज भी दित्ती ते इहदे वास्ते असी उन्हां दा बहुत बहुत संगत वालों धन्यवाद भी करदे हां। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड जिहड़ा हैगा दिल्ली कमेटी वालों चल रहा कि जिहड़े कि उन्हां दा विरोध करदे हैं उन्हां दी नीतियां दा विरोध करदे हैं उन्हां नूं गल कहण दा एक जिहड़ा प्लेटफॉर्म जिहड़ा इत्थों दी मिल रहा हैगा। इत्थे आ के एक साडे विच एक डायलॉग शुरू होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर असी सारे एक दूसरे के खिलाफ फेसबुक ते इहदे अखबारां च बोलदे हैगे आ, लेकिन जे वाकई असी कौम दा कोई भला चाहुंदे हां क्योंकि अज मार बहुत पै रही हैगी राजनीति करन वास्ते साडे कोल 365 दिन हैगे आ, लेकिन अगे किदां वधना है जिहड़ा कॉमन साडा दुश्मन हैगा जो सानू रोज़ मार रहा साडी दस्तार ते हथ पा रहा उहदे नाल किदां लड़ना है इहदे वास्ते सानू आपस आमणे सामणे टेबल ते बैठना पैणा है। ते उह वाला कल्चर जिहड़ा एक स्टार्ट होया मैं चाहुंदा सारे इहदे विच आपां सहयोग देईए ते जो भी जो सही नूं सही कहीए ते जो गलत है उहनूं गलत नूं गलत कहीए। ते इन्हां अखरां दे नाल मैं क्षमा बुलावांगा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।